Hello guys, welcome back to another vlog. गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30 और मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। मैं आज थोड़ा सा लेट उठी थी इसलिए मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो ब्रेकफास्ट में आज है डोसा, डोसा जो है वो सच में बहुत ही यमी है। इसे आज मार्केट से मंगवाया था ब्रेकफास्ट में। और इसके बाद मैं आपको एक बेडशीट दिखाऊंगी जिसे मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। ये है गुल अहमद की बेडशीट। इसकी जो बेडशीट के प्रिंट होते हैं ना वो बहुत ही डिसेंट से होते हैं और साथ ही साथ इसका स्टफ़ भी बहुत ही अच्छा होता है। सो गाइस, मैं कर लेती हूँ लंच और लंच में बना है आज खट्टी दाल और साथ में बनी है राइस। लंच जो है वो फिनिश हो गया है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। ऊपर जो है क्या हल्दी है ना उसे सूखने के लिए रखा है, जो मैंने आपको शायद लास्ट व्लॉग में दिखाई थी, तो मैं उसे देख कर आऊँगी। चलिए गाइस, करते हैं डिनर। और आज का डिनर जो है वो हमारे मामा मामी के घर पर है और क्योंकि आज मेरे कज़न का बर्थडे है तो वो आया हुआ है और हम उन्हीं के साथ मिलकर आज डिनर करेंगे। और देखिए मेरे मामा मामी ने आज क्या बनाया हुआ है। गाइस ये देखिए, आज मैं आपको अपनी लाइफलाइन की पेंटिंग्स दिखाऊंगी जिन्हें वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करती है। उसे पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है
उसने यहाँ पर अलग अलग तरह से यूनिकॉर्न्स बनाए हुए हैं और उसे पोनी भी बनाना बहुत पसंद है। ये देखिए उसने इसे स्नैपचैट पे अपनी फिंगर्स के साथ ड्रॉ किया है। सो गाइस चलिए कर लेते हैं लंच। और मुझे पता है आप सोचेंगे कि मैं लंच करने के लिए फिर से कहाँ आ गई। आप मत परेशान होइए, मैं कहीं नहीं गई, बल्कि आजकल लंच मैं घर पर ही कर रही हूँ। लेकिन ये जो लंच है इसे मेरी आंटी ने बनाया है जो हमारे नेबर्स में रहती हैं। एज़ यू कैन सी गाइस आंटी ने बनाई है बिरयानी, जिन्हें वो बहुत ही डिफरेंट वे से बनाती हैं। सो गाइस हो चुकी है इवनिंग और आज इवनिंग में मैं मेरी कज़न्स के साथ आई हूँ पार्टी पे। हम लोगों ने मिलकर एक गेट टुगेदर रखा था जिसमें मेरी सारी कज़न्स हैं और हम लोग जो है इंजॉय कर रही हैं। मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और बहुत जल्दी मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। आई रियली होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।